मेरे हाथ में 6-7 महीने से वो दर्द होता था और वहाँ पे मेरे को मतलब कोई भी हैंड का मतलब डॉक्टर नहीं मिला। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि जो कलाई है उसमें कुछ बोन्स हैं जो कि गलने लग गई हैं और ये ऐसा एक्सरे है जैसा कि इसमें दिख रहा है, बोन जो है इसकी शेप जो कम हो गई है और उसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। ये यूजुअली विदाउट चोट लगे होती है, इसका इलाज ऑपरेशन ही होता है और हम इसके एक्सपर्ट हैं इसलिए इनको हमारे बारे में पता चला। आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई थी। तो ये पेशेंट हमारे पास हिमाचल से आए थे, 29 ईयर्स ऑफ एज है, इनको कलाई में दर्द हो रहा था, कोई चोट नहीं लगी थी और अपने आप एक्सरसाइज थेरेपी और बहुत सारे डॉक्टर को दिखा चुके थे। फिर इन्होंने हमारे को ढूंढा, हमारे पास आए, इनका हमने ऑपरेशन किया। आज इनको 3 हफ्ते हुए हैं। इनसे पूछते हैं इन्होंने इतनी दूर आकर हमसे इलाज क्यों कराना पड़ा और हमने इनको क्या बताया था और ये जब यहाँ पर आए थे तो इनको किस टाइप का माहौल दिख रहा था और जब ऑपरेशन के में कितना दर्द हुआ, कितने टाइम की दवाइयाँ दी और इनको किसी भी ट्रीटमेंट में हमसे लेने में क्या क्या परेशानियाँ हुई या नहीं हुई। अपने बारे में कैसे अपना इंट्रोडक्शन जो भी है बता दो। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ और मेरे हाथ में 6-7 महीने से वो दर्द होता था और वहाँ पर मेरे को मतलब कोई भी हैंड का मतलब डॉक्टर नहीं मिला। फिर मैंने यूट्यूब पर देखा तो आपका मतलब वीडियो आ गया था, फिर उनको देख देख के मैंने 5-7 दिन देखा, उसके बाद यहाँ के आपके स्टाफ से कांटेक्ट किया, फिर मैं यहाँ पे आ गया। फ़ोन उठ गया था आपका? हाँ जी। अच्छा, इन्होंने उठाया। हाँ जी। फिर क्या हुआ, फिर जब हमने क्या बताया आपसे? फिर आपने तो बताया कि मतलब ऑपरेशन ही वो और फिक्स करने के लिए आपने मना कर दिया था क्लाइक क्यों। फिर और उस खुश हमसे ऑपरेशन करा के? हाँ जी सर। हाँ जी। तो क्या एक्सपीरियंस है आपका हमसे ऑपरेशन कराने का, मतलब आपने हॉस्पिटल में किस किस टाइप के पेशेंट देखे? अस्पताल में एल्बो के भी थे और ये कंधे के थे। हाँ हाँ। और रिस्ट के ज़्यादा यही थे। तो कितने टाइम की दवाइयाँ दी थी हमने आपको? 5 दिन की। तो आपको अच्छा नहीं लगा कि सर कुछ ज़्यादा दवाइयाँ दे दो? थोड़ा डर लग रहा था पर तो सभी को 5-5 दिन की दवाइयाँ मिल रही थी। तो फिर तो अब तो अच्छा लग रहा होगा, ज़्यादा दवाई नहीं खानी पड़ी। हाँ जी। हाँ जी। तो पिज़्ज़ा वीज़ा सब खा रहे थे? सब कुछ खाया। हाँ जी। ठीक है। तो अभी आपको जब भी हमने ऑपरेशन कर दिया है, अभी कितने टाइम का ट्रीटमेंट बाकी है आपका? अभी आपने मेरे को 3 महीने के बाद दोबारा बुलाया। हाँ, वो किस लिए बुलाया? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि फुल मूवमेंट आ जाए। हाँ जी। कितना ऑपरेशन हुआ था, कहाँ ऑपरेशन हुआ था वो दिखाओ सर को। ये इनका ऑपरेशन हुआ है, सिर्फ छोटे चीरे से हुआ है जिससे अंदर की जितनी भी चीज़ें हमने ख़राब नहीं करी हैं, मूवमेंट इनका बरकरार है जैसा रहता है। इनकी जो प्रॉब्लम थी वो जो कीनबॉग डिजीज़ है, ल्यूनिट बोन गल गई थी, ये इनका ऑपरेशन हुआ है। सिर्फ इतने से चीरे से पूरा ऑपरेशन हो गया और कलाई का थोड़ा सा मूवमेंट तो करके दिखा दो। आज सिर्फ 3 हफ्ते में इतना मूवमेंट भी आ गया इनका। अभी मैंने सिर्फ एक्सरसाइज बताई है, जो स्प्रिंट दिया है सिर्फ 10 से 15 दिन के लिए दिया है जिससे जो सूजन आए वो कम रहे, और 6 दिन की एंटीबायोटिक दिए जिससे जो सूजन आए तो उससे इन्फेक्शन ना हो। तो ऐसी प्रॉब्लम जब भी किसी को होती है तो उस आदमी को ये कुछ चीज़ें नहीं सोचनी होती कि सर ये ठीक हो जाएगा क्या पूरा। ये हमने ऑपरेशन इसलिए किया था इनका कि जो जॉइंट है ख़राब हो चुका है वो और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इसलिए ऑपरेशन किया। इनको लाइट वेट उठाने के लिए हमने कह रखा है, हैवी वेट के लिए मना करा है। तो जब लोग हमें कोई जज करता है कि सर ये इतने से छोटे से सेंटर में आप ट्रीटमेंट कर लोगे क्या, तो मैं उनको बता दूं मैं बड़े अस्पताल का भी हेड हूं लेकिन वहां पर इतनी भीड़ होती है कि मैं जितने भी बाहर से लोग हैं उनको नहीं देख पाता, लेकिन जो भी इमरजेंसी और जो इस टाइप के होते हैं उनको टाइम करने की कोशिश करता हूं।